तो मैंने तावा ले लिया है, ये जो आप देख रहे हो ये मिट्टी का तावा है। हाँ, इसके पहले मैंने इस पर कुछ आइटम बना चुके हैं, तो पता नहीं क्या होगा, डर भी लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम तो किसी तरह बन गया था। अब ये पहले चूल्हा जला लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि क्या होता है। ये इस पे रख दिया, इसको थोड़ा लो फ्लेम पे मैं कर देता हूँ। अब देख रहे हैं, बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि इसके पहले मैंने कभी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, पर देखता हूँ अगर पक गया तो वीडियो अपलोड करूँगा, अगर नहीं पका तो भैया मैं नहीं करने वाला। हाँ, दोस्तों इसमें जो है ना, ये मैंने आज, ये देखो, ये मैंने सेब भी दे दिया और मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं सेब वाला मैगी खाऊं, और ये रहा मेरा टमाटर, तो ये आप देख सकते हो। तो मैं अब इसमें ये डालने जा रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं कैसा लगता है मेरा टमाटर। मैंने डाला, प्याज डाल दिया, सेब डाल दिया, और मुझे मन था आप एक्सपेरिमेंट मत करना, अगर मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसमें ये डाल दिया। आई होप कि आप लोगों ने कभी सेब डाल करके कुछ बनाया होगा। मुझे थोड़ा मीठापन वाला मैगी खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना मैं चीनी की जगह जो है ना, मैं इसमें सेब डाल देता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। फूड वैसे भी एक्सपेरिमेंट करके बहुत बार पकाना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, इतना इतना काम मेरा अभी तक डन हो चुका है। तो दोस्तों मेरा मैगी बन करके तैयार हो गया है, अब इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। इसके ऊपर जो है ये मैंने खीरे को काटा था, तो ये डाल दूंगा और थोड़ा ऐसे देखते हैं कैसा लगता है। तो ये मैंने इस पे खीरा भी डाल दिया और इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता, ये मैं पहली बार बनाया हूँ, तो बहुत ही आई होप कि मुझे अच्छा लगने वाला है ये, पर कोई टेस्ट का पता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से कि मेरा वीडियो ज़रूर देखना, अगर आपको पसंद आएगा तो बना के खा भी सकते हो। तो फाइनली मेरा ये मिक्स मैगी तैयार हो गया, अब इसको मैं खाने के लिए तैयार हूँ।
ये हो गया मेरी तरफ से डन। अब मैं इसको थोड़ा धीमी आंच पे छोड़ देता हूँ पकने के लिए। ये सेट था।